वेल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 में आई रोमांस मूवी की, जिसका नाम है परसोयन। परसोयन में दोस्तों फ्रेडरिक जो है वो तो भाग जाते हैं, लेकिन आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं भागना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके भागने का सोच रहे हैं तो मतलब आप परसोयन के कंप्लीट रिव्यू को स्किप करने का सोच रहे हैं। इट्स अप टू यू, आप जाना चाहते हैं भाग के या रहना चाहते हैं यहाँ टू कैच द रिव्यू ऑफ परसोयन। सो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात करते हैं। मैंने इस फिल्म को देखा। फिल्म में आपको दो मेन कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। फीमेल कैरेक्टर में आपको राइट साइड पे नज़र आएंगी डकोटा जॉनसन, और लेफ्ट साइड पे उनके जो हैं वो होंगे कास्मो जारविस। एक्चुअल में राइट और लेफ्ट में मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट किया है कि फिल्म की जो कास्ट है, जो कैरेक्टर्स हैं उसमें शामिल हैं डकोटा जॉनसन और कास्मो जारविस। कास्मो जारविस जो हैं वो फिल्म में फ्रेडरिक का किरदार निभा रहे हैं, जबकि डकोटा जॉनसन जो हैं वो एन का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी कुछ ये है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो 8 साल तक के एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन 8 साल के बाद लाइफ उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देती है। जब वापस आते हैं फ्रेडरिक एन के पास, तो लाइफ उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है कि वो एक दूसरे को दोबारा एक्सेप्ट कर पाएँ। स्पेशली जो होते हैं कास्मो जारविस फ्रेडरिक, उन्हें उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उनके पास ये होता है कि वो अपने माजी को भुला दें और एक्सेप्ट कर लें डकोटा जॉनसन को, यानी कि एन को, और अगर वो ये नहीं कर पाते तो वो वापस क्यों आए हैं। ये दो ऑप्शंस होते हैं उनके पास। बाकी कास्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें सूकी वाटर हाउस शामिल है फिल्म की स्टारिंग में, जबकि हेनरी गोल्डिंग भी शामिल है इस फिल्म की स्टारिंग में। ओवरऑल फिल्म के रन टाइम की बात करें तो 1 घंटे और 49 मिनट का ये रोमांस मूवी है, जो साल 2022 में आया है दोस्तों। नेटफ्लिक्स की तरफ से ये मूवी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फिल्म की खास बात ये है कि इंडियन फैंस जो है इसको हिंदी में भी देख पाएंगे। एक्चुअल में जो फिल्म की रिलीज हुई थी वो तो हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसका हिंदी डब्ड वर्जन जो है वो भी रिलीज़ किया था। CGI की बात करते हैं तो मुझे फिल्म का कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी जो वर्क है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे बहुत पोर CGI फिल्म का मुझे नज़र आया। हालांकि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है। सो ओवरऑल एक टाइम पास मूवी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट रोमांस मूवीज़ जो हैं वो आपको 2022 में भी देखने को मिल सकती हैं। अभी तो 2023 चल रहा है, जिसमें बहुत सारी बेस्ट रोमांस मूवीज़ आ चुकी हैं। सो मैं बिल्कुल भी आपको ये प्रेफर नहीं करने जा रहा कि आप परसोयन को देखने जाएं, क्योंकि इसकी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और एक तो इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने स्टोरी को अच्छे से नहीं लिखा, और सेकंड जो इस मूवी के करेक्टर्स हैं उन्होंने भी शायद इम्प्रेस नहीं किया ऑडियंस को। सो फाइनल रिव्यू को एंड करते हैं यहाँ पे। मेरी तरफ से इस मूवी को 2 सितारों का दर्जा है आउट ऑफ 5।